सर यस ब्रदर, डॉक्टर दानिश। कैसे सर आप? दानिश भाई, क्या है आपकी खुशी का वजह, ये बताइए प्लीज। वजह यह है कि सर मैं एज यूजल गलती करा था और बहुत बुरी गलती करा आज फिर था। बट हाँ, बट रियली आई अप्रिशिएट यू सर। पूरा आपने लॉस कवर करके मैं प्रॉफिट में आ गया। अभी 8,000, कितना प्रॉफिट है सर? 8,000, लेकिन लॉस नहीं पूछा आपने कितना था। नहीं सर, पहले प्रॉफिट बता दो कितना है, लॉस तो आप बता ही देते हो। 7,700 समथिंग। ठीक है, पूरा अभी भी आपने क्या गलती करी ये और बता दीजिए एक बार। गलती जो हमेशा आपको मालूम है। तो आप एक बात तो, क्या मैं आपकी मदद कर पाऊंगा? अभी अभी मैं एक और चीज, मैं इन्फॉर्मेशन दे, ये बाजार फटेगा अभी और चलेगा, फटेगा अभी भी, किसी को कॉल ऑप्शन लेनी है अभी भी, ये वाली कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी की और ये वाली कॉल ऑप्शन निफ्टी की अभी भी और चलेगी। छापो जिसको जिसको जितना पैसा जाना है, फटेगा हाँ, बाजार। ये अच्छा हुआ कि मैं मतलब आपको पूरा फॉलो किया। मेरा 50,000 लॉस था सर। रमेश भाई नहीं, अभी भी आप आधी बातें कर रहे हो, अभी भी आप पूरा फॉलो नहीं कर रहे। पूरा फॉलो करते तो सुबह से ट्रेड ही नहीं किया होता। पूरा नहीं तो आप पूरा फॉलो करा सर, और फॉलो करके मैंने आपके मतलब आपके पूरे जो भी बताया अभी फॉलो करके 50,000 लॉस कवर करके 8,000 प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। मतलब मोस्ट वेलकम सर। तो मतलब मैं चाह रहा था आपको बताऊं कि बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपकी आपके आवाज सुन के, आपकी आवाज निकल में गया। पॉजिटिविटी मतलब देख के अच्छा लगा। वेरी गुड। जबकि मैं वही गलती कर रहा था, लेकिन आप जैसा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जैसा बोल रहे फटेंगे ने मेरे को बिल्कुल निकाल दिया सबसे। मैं सुबह से आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग मेरे साथ नए हो, मेरे सिर्फ फटेगा ट्रेड करो। जब मैं उसी में आपको हो बोलता जाएगा हूँ काम। फटेगा, सही बात। सिर्फ आप पूरे दिन काम मत करो, चार बार बोलूंगा फटेगा। अगर एक एक आदमी 10,000 ना बनाए तो मेरे को बोलो, काम छोड़ दूंगा मैं। सही बात, उसी में काम हो जाएगा। अब तो मैं फिर तो भी अगर मान सोचा लो कुछ भी करते रहना, तो फिर कुछ भी, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं वही तो सर 50,000 माइनस होके प्लस होना 8,000। 50 अभी और चलेगी, जो कॉल ऑप्शन है उसमें रीएंट्री की तरह, रीएंट्री वाले स्टॉप के साथ में कैरी करो सर और बैंक निफ्टी दोनों। मूवमेंट इज कंटिन्यूइंग। चलिए कुछ स्क्रीनशॉट्स आए हैं तब तक को शेयर करते हैं। आदित्य ने नया स्क्रीनशॉट भेजा है, 5,747। बहुत बढ़िया आदित्य, पूरे दिन तसल्ली से ट्रेड किया आदित्य। देखो ये सीखने वाली बात है। नीलेश यादव 10,000 रुपए। लवली, ये आपको कहा था कि तसल्ली से काम करोगे तो एक एक आदमी 10,000 कमा सकता है। लक्ष्मी ने कितने दिन के बाद ऑप्शंस में काम किया है। लक्ष्मी बहुत खुशी है मुझे आपके इस ट्रेड को देख के। 1,500 प्लस 500, एक दिन था जो आप कितने कंफ्यूज थे, कितने डरे हुए थे, और आज 2,000 रुपये। वेरी गुड सर, एक्चुअली राजू। मेरा पर्पस जो था ऑप्शन आप फिर से ये स्टार्ट ज्वाइन करने का सर, एक तो मेरे को फोमो था, यू नो हाउ आई यूज टू ट्रेड बिफोर, सो वो एक पर्पस था। और दूसरा तो अभी मेरे को आज जो 1,000 रुपीज कमा के खुशी हो रही है ना, आई कांट इवन टेल वेरी यू नाइस इतना खुशी हो रहा है मेरे को। सर। ये आपका गाइडलाइंस के कारण ही हो रहा है, जो आपका इंफॉर्मेशन और आप जो प्रेडिक्ट करते हो वो सही हो जाता है, वही मेन बात है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। देखो अच्छी बात है आदित्य, मैं गाइडलाइंस तो सभी को दे रहा हूँ, है ना, कितने लोग उस पर एक्ट कर पा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। हाँ सर, वो एक मोमेंट है अपने माइंड के ऊपर भी सेट हो, जो जिसने ट्रेडिंग किया है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका एक्सपीरियंस भी उस पर काउंट करता है। बस मैं आप लोगों से एक एक चीज मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब आप मेरे साथ जुड़े हो ना तो मेरे पे पूरा ट्रस्ट करो, थोड़े दिन ट्रस्ट करो प्लीज, 2-3 दिन ट्रस्ट वेट है करो। सर, इसीलिए मैं आपने जब बोल दिया कि ट्रेड नहीं करना तो ट्रेड ही नहीं किया, मैं बहुत टाइम तक बैठा हुआ था। क्या बात है, और जब ट्रेड किया तो 5,000 रुपये घर में आ गए, क्या बात है। 7,000 हुए सर अभी, भेज 7,000 रुपये, नया स्क्रीनशॉट भेजो, बात करते करते दिया भेजो। ना, भेज दिया अच्छा सर। आ गया। तो देखो ये आज के 3 है, कितने बजे पहला ट्रेड स्टार्ट किया आपने? पहला स्क्रीनशॉट आपका 11:56 पे, उसमें हमने 3,585 रुपये कमाए थे। ठीक है, ये 3,585 रुपये। और फिर उसके बाद सेकेंड ट्रेड हमारा आया है, उसमें हमने कमाए 5,747 रुपये। और अब हमारा लास्ट ट्रेड है, यह है 7,267 रुपये। वेरी गुड आदित्य, पूरे दिन मैंने कहा ना एक एक आदमी 10,000 लेके जाएगा मेरे साथ में। नहीं ये सर श्योर है सर, ये आपके साथ रहेंगे तो 10,000 के 20,000 भी कमा के जा सकती थी। मैं कल मैंने बनाया 20,000 बनाया था सर। था, बिल्कुल बनाया था, यस वेरी गुड। दीप्ति मैडम ने एक मैसेज भेजा है, सर आज लॉस हो गया था, अब वापस से कुछ रिकवरी हुई है। वेरी गुड, 567 चलेगा दीप्ति मैडम, ये आई होप अब कुछ रिकवरी हो गई होगी, हुई है तो प्लीज शेयर करें। आप लोग घबराया मत कीजिए मेरे साथ में, ये देखिए सर हुई थी, लेकिन अभी वो बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस कट गया था, तो फिर वापस 300 तो कुछ लॉस रीएंट्री किया कि नहीं किया सर? करा था।
तो रीएंट्री में तो मिल रहा है ना पैसा वापस? निफ्टी में रीएंट्री है सर, सब में रीएंट्री है, रीएंट्री पकड़ो, निफ्टी पकड़ो दोबारा वापस, जो बचा हुआ लॉस यहाँ से रिकवर हो जाएगा, पकड़ लो सर। और एक बात बोलना चाहूंगा, जो हम लोग टेक्निकल देख के करते थे ना सर, अभी ये जाएगा ऊपर जाएगा उसमें जाके ट्रेड करते उसी में लॉस होते, या अभी देख के मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं और स्क्रीन भी रखा हूँ जहाँ पे टेक्निकल्स यूज करता था मैं, और जो आप जो बोलते हैं आदित्य, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो एक बार के लिए प्लीज बाहर रहेंगे बैंक निफ्टी से, प्लीज एक बार लेट्स गो टू आदित्य एंड टॉक अबाउट द फैक्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यस आदित्य, ओवर टू यू। हाँ सर, आप अभी बोलेंगे तो मैंने नियो वेव भी किया है, इसकी कोर्सेज भी किया, मगर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ सही होता है कि वो उतना जाएगा, मगर वो उस दिन वो जाने देते ही नहीं वो उधर, और जिस लेवल को अपन पकड़ के अपन माइंड में साइकोलॉजिकली अपन वो डिसाइड करते कि हाँ उधर जाएगा मार्केट, जाएगा, मगर वो जाएगा मतलब हमारा सब लॉस होता है, उसके दूसरे दिन उस रेंज में चले जाता है, ऐसा भी देख लिया मैं। मतलब टेक्निकल्स का मैंने हर चीज मैंने आजमा चुका हूँ यहाँ पे, कोई भी मेरा काम आया नहीं, क्योंकि मैं जो टेक्निकल्स यूज करता हूँ परफेक्टली देखता हूँ कि हाँ ये 20 EMA के ऊपर हो गया या MA के ऊपर गया, VWAP के ऊपर गया, उसको ट्रेड करो, जो भी जितना भी ट्रेनिंग लिया वो सब मैंने अप्लाई करके देखा, मगर अभी जाके वो परफेक्शन आ रहा है कि उस जो चीज दिखा रहा है उसमें कुछ हो नहीं रहा है, और जो डेटा का बात है उसी में आ रहा है, जो आपसे मैंने पहले भी सीखा था, मगर उसको हम ज्यादा इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास तो डेटा है नहीं, तो वो भी एक इश्यू था, तो अभी आपके साथ है तो हमको उसका एडवांटेज मिल रहा है। अच्छा आदित्य, देखो मैं सब लोगों से ही कहूंगा, पहले ट्रेडिंग में पैसे बनाओ, ठीक है? हाँ। पैसे बनाओ, बहुत अच्छे पैसे बनाओ, पैसे बनाने के बाद फिर क्लास में आओ, ठीक है? क्लासेस सर, ये अभी आपका इसमें एडवांस है क्या क्लासेस इसका? ऑप्शन चेन ही है मेरे पास, वही एडवांस है, वही बेसिक्स है, सब कुछ एडवांस, ऑप्शन चेन ही है। देखो कहानी क्या होती है, समझो मेरी बात को, एडवांस और सुपर एडवांस के नाम पे माल नहीं बेचता मैं, ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं सर, मैं बोल रहा हूं मेरा पर्पस, मेरा पर्पस सिंपल सा ही कह रहा हूं था भैया, जब भी मैं आपके शहर में हूं आपको वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब सामने बैठ के बात करते हैं हो सकता है मैं उसी चीज को नए अंदाज से फिर आपके सामने पेश करूं, क्योंकि मैं क्या देखता हूं, मैंने भी देख लिया, मैं क्या देखता हूं, मुझे लगता है यार स्टूडेंट्स को शायद सैंपलिंग करता हूं मैं, 10 स्टूडेंट से बात होती है, उनके कंफ्यूजन्स नोट करता हूं, क्लियर होते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि भाई कंफ्यूजन कहां लोग अटक रहे हैं, तो मुझे इसको और सिंप्लीफाई कैसे करता है, तो मैं उसको हर बार आपके पास जब भी आता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए आता हूं, है ना? और साल में एक बार रिपीट करने में क्या तकलीफ है यार, अब तो मैंने ट्रेडिंग रूम खोल दिया आप लोगों के लिए, बनाओ पैसे सर, ये कंटिन्यू रहना चाहिए सर, आपका साथ और हम लोग भी साथ में आएंगे, मगर क्या है किसी को हम बताएंगे भी आपको आपके साथ ज्वाइन करना है बोलेंगे तो लोगों को पहले बात तो मार्केट के ऊपर विश्वास है, फर्स्ट ट्रिक, अभी हम किसी को बोल देंगे कि भाई हम भी कर रहे ट्रेड कर रहे पैसे, अरे छोड़ो यार वो जुआ है उसमें तुम जाओ मत, उसमें कुछ मिलेगा नहीं, तो हम किसी को कन्विंस भी नहीं कर सकते, हम ये चीज हम कर रहे बोलने से कोई भी बोलता कि अरे तुम फालतू काम कर रहे, कोई ये इसमें कुछ है नहीं, तुम अपना लाइफ स्पॉइल करेंगे, ऐसा ये लोग का एक मेंटालिटी है, क्या करेंगे उसके पास तो बोल नहीं, वो इसी है लोगों के साथ ना धोखा हुआ है आज तक। हाँ सर, और ऊपर से सर वो YouTube में तो अभी तो इतना हो गया कि बड़े बड़े स्कैम हो गए कि क्या बोले आपको, जो ट्रेनिंग देते थे ऑप्शन के ऊपर, जो ऑप्शन सिखाते थे वो खुद करोड़ों में लॉस में है, वो हमको ऑप्शन सिखा रहे थे, तो सोचिए उन्होंने कितने लोगों का मतलब लाइफ के साथ खेला, ये मैं बोल सकता हूँ इतना है। देखो दोस्त कहानी क्या है, मैं फिर भी ये बात करूंगा कि हर आदमी को ना अपना माल बेचने का अधिकार है, जिसको बेचना होता है बेचो, ठीक है? हम लोग बेचेंगे सर, मगर गलत तरीके से नहीं ना सर, नहीं ना, वो बेकार बात है, वो डिबेट में मैं अग्री नहीं करता आप लोगों से, पूछो एक छोटी सी बात में बोलता हूँ, बड़े बड़े किसका नाम, अमिताभ बच्चन जी की बात करते हैं, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं, किसकी ऐड करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड, माजा की ऐड करते हैं ना? हाँ सर, माजा इज फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स, मालूम है? यस, वैसा तो गुटका का भी ऐड सब लोग बड़े बड़े लोग ही कर रहे हैं सर, गुटका, ठीक है? वो जुबा केसरी में हमारे टॉप के 3 फिल्म स्टार्स हैं, है ना? यस सर, जुबा केसरी करने के लिए कह रहे हैं, ना कि मुझे जुबा केसरी करनी कि नहीं करनी, अगर मूड है हो सकता है जुबा केसरी चखने का मन हो तो एक बार चख लो, अगर अच्छा लगे तो खाओ, नहीं तो छोड़ दो। डॉक्टर कहते हैं अफीम से दवाई बनती है। हाँ बनती है ना, अफीम से दवाई बनती है। अरे अफीम को दवाई की तरह लेना है तो डॉक्टर से रिकमेंड प्रिस्क्रिप्शन लो और वो दवाई लो जो अफीम से बनी है। नशा करना तो अफीम खाओ, आपके ऊपर है नशा करने की दवाई खानी है, समझ गए सर? हाँ हाँ सर, धतूरे से आदमी पागल भी हो सकता है, तो धतूरा शिव जी पे चढ़ा भी देते हैं, क्योंकि शिव जी रोज पागल हुए घूमते हैं। हमारे ऊपर है बॉस, मार्केट में सब मिल रहा है, जितने भी पैक्ड फूड आप खा रहे हो, आप मतलब कुत्तों के खाने से लेकर इंसान के खाने तक का पैक्ड फूड सब एडल्ट्रेटेड, सब में केमिकल है, सब में जहर है ना? सब में है सर,
हरित क्रांति के नाम पे आज पूरे पंजाब को कैंसर में डाल दिया, पता आपको? यस सर। अगर कोई पंजाब से बैठा है मेरे स्क्रीन पे बता सकता है, पूरा पंजाब आज कैंसर ट्रेन चलाता है, पता है आपको? स्पेशल ट्रेन जिसका नाम कैंसर ट्रेन है, और वो हरित क्रांति के बाद चालू हुई थी। यूरिया जितना दे दिया देश को, पैदावार तो बढ़ गई, कैंसर नहीं बढ़ा क्या? आप सो कॉल्ड वेजिटेरियन, सर ये सब बीमारी तो मेनली अपने पेस्टिसाइड्स जो यूज करते उसी से हो रहा है सर, सभी को प्रॉब्लम पूरा, और ये इंडिया में ही ज्यादा यूज होता है। इंडिया में श्वेत क्रांति आई, श्वेत क्रांति में क्या हुआ, दूध की नदियां बह गई, हो गई ना। आप एक गाय भैंस खरीदो अपने घर में, उसको चारा खिलाओ, बहुत महंगी पड़ेगी पता है आपको, और शाम को जाके अगर मान लो छह आदमी का फैमिली है ना, छह आदमी के बराबर का दूध एक बार में नहीं देगी, वो नहीं मिलेगा सर। ये बात सही है, हमारे दादाजी वो करते हैं इसीलिए हमको पता है उसके बारे में। मैं फार्मर बैकग्राउंड से हूँ, मेरे घर में अभी वही है, ठीक है ना। तो अगर आपके घर में भैंस है, वो बेचारी अगर दूध मना कर देती है ना भैंस गाय, तो उसके सामने आरती लेके बैठना पड़ता है, दे दे भाई, उसकी नजर उतारते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं गाँव वाले बेचारे, पता है आपको? जब देखा है नजर उतारते हैं, उसको मनाते हैं बेचारे को, फौसाना कहते हैं जिसको हिंदी में, ठीक है। तब जाके वो बेचारा सोचते चल इसका मुड़े, चल एक लोटा दूध दे दे। तो भाई साहब हमारी डेयरी होती है, डेयरी में ऐसे इंजेक्शन लेते हैं, ऐसे कमर में मारते हैं, मार देते हैं और वो दूध निकल जाता है। सही सर, तो आप दूध के नाम पे जहर खा रहे हो, सब्जियों के नाम पे जहर खा रहे हो, दालों के नाम पे जहर खा रहे हो, किस किस चीज को मना करोगे? तो स्टॉक मार्केट के नाम पे अगर बाप ऑफ चार्ट कुछ बेच रहा है और हर थोड़ी दिन में लोग खरीद रहे हैं, तो गलती बाप ऑफ चार्ट की थोड़ी ना है, गलती खरीदने वालों की है। अब गलती ये है ना बॉस, अब देखो रिटेल के पास इतनी ताकत ही नहीं ना समझने की कि विपुल सही पढ़ा रहा है कि गलत पढ़ा रहा है। रिटेल को क्या मालूम है विपुल सही पढ़ा रहा है? विपुल को टेस्ट करना है तो विपुल का पीएनएल मत देखो, अब विपुल के साथ बैठो, ये देखो विपुल ने पीएनएल की बात नहीं कर रहे सर, हम जो बोल रहे जो नॉलेज, किसी को भी मैं कहता हूँ किसी को भी टेस्ट करना है ना, किसी को भी टेस्ट करना है तो जो मैं कर रहा हूँ वो करवाओ। आप बोलो लाइव बैठेंगे आपके साथ में दो दिन, आप मुझे लाइव बैकेट में आप मुझे बताएंगे बाजार कहाँ से चलेगा, कहाँ से गिरेगा। अगर उसका 10 में से 8 चलता है तो भैया बंदा सही है, समझ गए आप? तो बंदा सही है, अगर 10 में से 8 चलता है, 2 किसी का भी खराब हो सकता है, पर खराब भी ऐसा होना चाहिए जो हमें पता हो कि हमारा खराब होने वाला है। जैसे मुझे पता मेरा खराब कब होने वाला है, तो मेरा तो 100 में से 100 सही है, मेरा खराब भी सही है मेरे लिए। मुझे पता है अगर मैं यहां से नहीं निकला तो बैंड बच जाएगा। ये कॉन्फिडेंस है अगर कोई बैठा ना सामने तो बोलो भाई तू ट्रेनर अच्छा है, तू ट्रेडर अच्छा हो ना हो तू ट्रेनर अच्छा है। अरे भाई हम स्कूल में जाते थे, हम आईपीएस की पढ़ाई स्कूल से करके आए, पहली पढ़ाई आईपीएस की स्कूल से हुई हमारी, फिर हम कॉलेज में गए, फिर हम प्रोफेशनल स्टडीज में गए। क्या हमने सबसे पूछा तू कौन सा आईपीएस बना? आईपीएस की ट्रेनिंग देने वाले क्या सब आईपीएस मिलते हैं आपको? आईएएस की ट्रेनिंग देने वाले नहीं होते ना, ट्रेनर्स होते हैं ना। आपको ट्रेनर को ट्रेनर समझना चाहिए, आप ट्रेनर को ट्रेडर समझने की गलती आप लोग मत करो, ये गलती आप लोगों की है। सेंसिटिव मुद्दा था जो हमने डिस्कस किया है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा। हाँ सर, अगर लेना है वापस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट करेगा, यहाँ करेंगे रिट्रेसमेंट पे काम करेंगे। देखो लाइव सिखा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन सिखा रहा हूँ भाई, लाइव सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा रहा हूँ, ये होता है लाइव खेल करना। और विश्वास करना अगर एक क्लास के नाम पे बेचता ना तो नहीं चलती, क्योंकि लोग सीख सीख के इतना पक गए ना, लोग इतना पक गए। वही बात है सर, पूरा बहुत सारा ट्रेनिंग करने के बाद वही लगता है कि क्या सीखे आखिर में, जीरो ही है करके। क्या सीखोगे, सब तो प्राइस सेक्शन सिखा रहे हैं, सब तो काइंडल कैंडल स्टिक सिखा रहे हैं, किसी का बचा क्या है सिखाने के लिए, तो बताओ मुझे क्या बचा है? सब रिकॉर्डेड कोर्स बेच रहे हैं, 20 क्लास का वीडियो रिकॉर्ड किया। आपको मालूम मैंने भी किसी के बोलने से, मैंने भी कुछ 24 क्लास का वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने, कि मैं भी इसको बेचूंगा 2000-3000 में, मैंने आज तक अपलोड ही नहीं किया वो। सर जी भाई, जिसका हिम्मत है वही लाइव क्लास करा सकता है और सिखा सकता है। सर हिम्मत कहाँ से आएगी? हिम्मत आएगी आप अपने ऊपर बिलीव करें, पहले अपने ऊपर बिलीव करो। सर आपके ऊपर हमको विश्वास है सर, पढ़ाना अलग है और लाइव क्लास कराते हुए पढ़ाना अलग चीज है। तो विश्वास है, इसीलिए आप जो बोलते वही करते, उसके सिवा कुछ कर रहे नहीं हम लोग, यही तो है, इसमें एडवांटेज आ रहा हमको। तो मैं इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग अगर अभी भी कोई भी लॉस में बैठे ना, अगर अभी कोई ट्रेनिंग कर पाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे पूरे दिन में एक बार वेट करो जब मैं बोलूं फटेगा, बस बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई ट्रेड मत करो। बहुत सारे धुरंधर है, पहले आपने जब आज आए बराबर बोले कि आज मार्केट पहले फटेंगे बोले, तब मैं ट्रेड नहीं किया था सर, क्योंकि वो मेरा इश्यू था ना जो मेरा नाम का, तो मैं उसमें कंफ्यूजन में था। उसके बाद आप बोले तो फिर मैं बोला ट्रेड में घुसा नहीं, फिर आप बोले नहीं अभी ट्रेड नहीं करना, तो फिर मेरा माइंड भी ऐसा होगा कि नहीं आज नहीं करेंगे, आप जब तक अभी कुछ ऑप्शन नहीं आएगा या अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, ऐसा करके फिर मैंने आपने जब बोला उसी टाइम पे 2-3 ट्रेड मैंने करके उतना मैंने ले लिया। 3 ट्रेड में 8000 बन गए भाई, अपने को चाहिए क्या यार? हमारा टारगेट ये 4000 है दिन का, बस उसमें हम 8000 कमा लिए तो फिर हो गया मेरा। दिन का टारगेट 4000 मतलब महीने का
80,000 पकड़ लो सर, 20 डेज ट्रेड पकड़ लिया तो 80,000 नहीं मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सर, मतलब मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ। 20,000 मिल गया। हाँ सर कल वीजा मिल गया तो ऐसे दिन में तो मिलेंगे हमें। हाँ मिलेंगे ना सर। हर आदमी मैं बोल रहा हूँ हर आदमी 5 figure सैलरी, 1,00,000 रुपए की सैलरी हर आदमी की चाहिए यहाँ से। मुझे होगा सर, जरूर होगा, सभी का होगा। 2-3 महीने के अंदर हो जाएंगे। जो लोग पुराने हैं वो हो चुके होंगे, जिन लोगों को अभी तक फॉर्म में कंट्रोल नहीं है वो नहीं होंगे, वो कभी नहीं होंगे। वो मेरे मैं बोलता हूँ ना 10% लॉस में मेरे, वो 10% में वो लॉस वाले लोग भी रहेंगे मेरे साथ में। होंगे सर, सभी सभी का माइंड एक साथ एक टाइप पे एक टाइप काम नहीं करता, अलग अलग ही होगा, थिंकिंग भी अलग होगा, बोलने के ऊपर भी वो लोग कर नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता, थोड़ा बहुत तो होगा। इसलिए सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को छोटी स्कैल्पिंग से डर लगता है 5 point 6 point वाली, वो ना मैं स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ सर। आप जब बोलते 4 point 3 point ही निकलता हूँ, 5 point 6 point ऐसे निकल के मैं निकल जाता हूँ। आगे आप बोलते 20 तक जाएगा 25, वो भी रुकता नहीं मैं, वो बीच में जितना मेरे को प्रॉफिट आ रहा मेरे को मालूम है कि मेरा प्रॉफिट आ रहा मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, वो रूल बनाए ना आपने अपने लिए। हाँ सर बस ठीक है, रूल मत तोड़ना बस, कभी भी रूल टूटेगा तो सब खराब हो जाएगा, रूल मत तोड़ना बस। हाँ सर रूल कभी नहीं टूटेगा, किसी का भी नहीं टूटेगा। देखो 11:30 से 12 बजे ये सभी को बताना चाहिए कि रूल तोड़ के बगैर काम करना है तभी जाके प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम लोग आप जब बोलते तब काम नहीं किया तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं आता, तो जो हम करेंगे खुद से तो फिर दूसरे में जाके फिर हम बाद में अटक जाएंगे उसमें, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। देखो कल का एग्जाम्पल समझो, दानिश भाई होंगे शायद लाइन पे है या नहीं मालूम नहीं, दानिश भाई के साथ कल क्या हुआ, 150 के आसपास एग्जिट भी मिल रहा था, पर उनकी मिस्टेक क्या हुई, उनसे मिस्टेक हुई, एवरेज करते चले गए, और उनको भी कल मेरी उनसे डिस्कशन हुई, मैं शेयर करना चाहूंगा। दानिश भाई ने अपने किसी फ्रेंड से पूछा क्या लगता है, उसके फ्रेंड ने बोला कि और गिरेगा, तो क्या हुआ एक नॉइस क्रिएट हो गई, ठीक है दिमाग में एक नॉइस क्रिएट हो गई, तो उनको लगा कि यार उसने बोला ना गिरेगा, नहीं गिरा, बाजार उल्टा चला गया, उनके पैसा उनके 1,00,000 रुपए लग गए किसी के कहने से, समझ रहे हो। मैंने बोला दानिश भाई दोस्त से मांगो 1,00,000 रुपया, बोले तो कौन देता साहब आपको मालूम है, बात सही बराबर है, पर इसका मतलब गलती किसकी, दानिश मेरी गलती है, अगर मैं दानिश हूं तो गलती मेरी है, मैं किसी को सुनता क्यों। अभी महेश भाई देखो कितना अच्छा ऑप्शन चेन देख रहे हैं, मुझसे डिस्कशन कर रहे थे, पर मैंने महेश भाई को क्या बोला, महेश भाई सबसे सीधे ना सोचो, सबसे सीधे हमारे पीछे बैठे, फिर भी महेश भाई को मैंने क्या बोला, महेश भाई मत डिस्कस करो मेरे को नॉइस होता है, क्लियर ना, सही बात है। क्या मेरा कुछ नुकसान हो गया या महेश भाई बुरा मान गए, नहीं 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 नहीं, और अगर महेश भाई बुरा मानते हैं अबे तभी मेरा फायदा है, मैं महेश भाई के बुरा मानने से मेरा अपना क्यों सिस्टम खराब करूं। बुरा नहीं माना है, नहीं महेश भाई समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, आपके सब बच्चे हैं ठीक है ना, आप सुपर सीनियर हो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे मेरी चीज पे कन्विक्शन है ना तो मैं सामने वाली नॉइस को मना कर दूंगा, अगर मुझे नॉइस हो रही तो। सर मैं कल प्रॉफिट करने का दोपहर के बाद मैं सिस्टम बंद करके बैठ गया, कल दोपहर के बाद मैं ट्रेड ही नहीं किया, होना ही चाहिए। मैंने तो मॉर्निंग में आज कहा था हम काम नहीं करेंगे, मेरा मूड नहीं काम करने का, डेटा बदतमीजी कर रहा है ये था ये काम मैंने, डेटा जब सीधे सीधा चलने लगा मैंने उसी टाइम उसके पीछे पीछे हो गया मैं, तो यार मुझे क्या दिक्कत है, तो दीवाने डेटा के, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, है कि नहीं। ये बात सही है, डेटा के पीछे ही चलना पड़ेगा, डेटा के पीछे चलना है। इसलिए अभी भी आप सब लोगों से मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ट्रेडिंग रूम सुन रहे हैं, ट्रेडिंग रूम को ज्वाइन करेंगे बाद में ये वीडियो अगर अपलोड होगी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ट्रेडिंग रूम में आना है ना, ये सोच के आना सट्टा मारने नहीं मिलेगा, सट्टा भी पड़ेगा पर कम से कम बैठना बजा के डायरेक्शन मिलेगी आपको, एंट्री कहाँ करनी है वो मिलेगी, एग्जिट कहाँ मिलेगी, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना वो मिलेगा, और फारूक भाई की चुटकुले मिलेंगे। फारूक भाई सामने हाजिर हो, सुभाष यादव बोल रहा हूँ सर। अच्छा सुभाष जी हैं, चलो सुभाष जी जल्दी हुई बोलो। 2.62 LK जी, मैं सट्टा जैसे मार करके मैं ऐसे इतना मैं गवा चुका हूँ मार्केट में। 2.62 LK जिनको नहीं पता बोलता हूँ लाख को बोलते हैं, ठीक है लाख इतना नुकसान में बैठा हूँ मैं, लेकिन आपको यूट्यूब पे देखा फिर क्लास लिया, अभी भी ट्रेड लेने से डर लगता है, फिर भी मैं नेक्स्ट वीक से आपसे ज्वाइन करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कर रहा हूँ जी। थोड़ा थोड़ा कितना हो रहा है जी सर? थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा कितना हो पा रहा है डेली, जो डेली कंसिस्टेंट है? 400-500 का प्रॉफिट रखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं, बस उसके बाद बंद कर देता हूँ, सिर्फ देखता हूँ डेली हो रहा है। जो डर बन गया उस डर को खत्म कर रहा हूँ अभी, बस ये डर को खत्म कर रहा हूँ। पहले SL नहीं लगाता था, सीधा जाने दो, कितना गया 10,000-20,000 जाने दो ऐसे करके, और 1,000 प्रॉफिट हुआ अरे यार, फिर 500 अरे जल्दी निकलो, ये बहुत बड़ी गलती करता था सर। मतलब प्रॉफिट से डर नहीं लगता साहब, लॉस से डर नहीं लगता, प्रॉफिट से लगता है बस, यही मैक्सिमम ट्रेडर के साथ यही होता है यही होता है यही होता है। ये तो ग्रेट घनश्याम जी ने भी बोला था
है ना, घनश्याम जी का एक वीडियो शॉर्ट मेरे सामने आया था, वो भी कह रहे थे कि जो रिटेलर है वो लॉस से नहीं डरता, बिल्कुल सही कह रहे थे, क्या गलत कह रहे थे है ना, घनश्याम टेक्निकल वाले जो घनश्याम जी है उन्होंने कहा था, उन्होंने भी कहा ये सही कहा जितना सक्सेस जी महेश भाई, लॉस में एवरेज करते हैं लोग, लॉस में एवरेज करते हैं सर, लॉस में एवरेज करते हैं करेक्ट, और लॉस बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, कल दानिश भाई के साथ यही हुआ पता है आपको, पर कम से कम अगर आज उन्होंने उसको करेक्ट किया तो अच्छी बात है। दानिश भाई अगर आप सुन रहे हैं मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा वो नहीं करना जो कल किया आपने, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, ठीक है, हाथ नहीं कटवाना है, हाथ नहीं कटवाना है बॉस, उंगली कटवा लो, देखो कितनी बड़ी बात है, एक्सपीरियंस आदमी बोल सकता है उंगली कटवा लो हाथ नहीं कटवाने का 98 से है ना सर ट्रेड में, तो फिर स्टॉक मार्केट में तो ये बोलेंगे वो, करेक्ट, क्योंकि उन्होंने लोगों के घर बिकते देखे भैया, लोगों को सुसाइड करते देखा है उन्होंने, ठीक है, इतनी स्टोरी होंगी, स्टोरी करेंगे तो किताब छप जाएगी, समझ लीजिए, सही बात है।